और स्पीच एडवोकेट सीमा कुशवाहा हाथरस पहुंची, लेकिन उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों के साथ तीखी बहस भी हुई। सीमा कुशवाहा के मुताबिक गांव से 2 किलोमीटर पहले बैरिकेड लगाए गए हैं, उन्हें गांव तक जाने नहीं दिया गया। सीमा कुशवाहा के मुताबिक उनकी पीड़िता के भाई से बातचीत हुई थी, वो पीड़िता का केस लड़ना चाहती हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीमा कुशवाहा को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो लोग भी इस रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहती हूं कि देश की 49% आबादी के लिए आज तक आप लोगों ने क्या किया है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है। बलरामपुर में जब तक ये दर्द कम नहीं हुआ, तब तक बलरामपुर में एक और बेटी को दरिंदों ने खा डाला, उसके साथ बर्बरता की। मैंने निर्भया को जस्टिस दिलाया, मैं मनीषा को भी जस्टिस दिलाऊंगी।